यू नो मामा, अक्सर मैं आपको याद नहीं करता था, और उस वक्त बहुत याद करता था जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी। मुझे पता है, उस वक्त ज्यादा बच्चों की माएं होती थी ना उनके साथ। मेरी नानी कहा करती थी कि माएँ बच्चों को माफ़ करने में बहुत दरिया दिल होती है, लेकिन जब माफ़ करने की जिम्मेदारी बच्चों पर आ जाए तो कमबख्त एक एक गलती का हिसाब लेती। मेरी दादो कहा करती थी, जिसने पछता लिया उसने तौबा कर ली। अस्सलाम वालेकुम। मामा, मैं आया हूं। लुक एट मी, योर सन। सुनूंगा, सुनाऊंगा, सुनो ना। मामा, जो मैं गुस्सा करता था ना, हक जताता था मैं। 18 साल नहीं जताया ना, चेक करके देखता था कि मेरा हक है ना मेरे पास। फिर जो अपने दामाद से पलके झुका लेती थी, मुझे लगता था हक है मेरे पास। मेरा भी आप पे जोर चलता है। यू नो मामा, अक्सर मैं आपको याद नहीं करता था, और उस वक्त बहुत याद करता था जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी। मुझे पता है, उस वक्त ज्यादा बच्चों की माएं होती थी ना उनके साथ। और उस वक्त बहुत ज्यादा याद करता था जब मेरी बर्थडे होती थी। बहुत रोता था। बाबा मुझे बहुत सारे गेम्स लाके दे दिया करते थे, और मैं गेम्स में बिजी होके आपका बिछड़ना भूल जाता था। फिर एक दिन मुझे समझ आया कि ये जो बाबा इतने सारे गेम्स लाके देते हैं, मुझसे बहुत बड़ा गेम खेलते हैं। एक बात बताऊं मामा, तो जो बच्चे होते हैं ना, ये बड़े होते हुए प्यार करना अपनी माँ से सीखते हैं, और वो बड़े होते हुए अपनी माँ को जितना प्यार करते हुए देखते हैं, वो उतना ही दे पाते हैं।
लेकिन आयशा मामा रो रही है, मुझे कह रही थी कि जाके सब कुछ बोल दो, सब कुछ अपने दिल से निकाल दो, और खुद रो रही है। मां मेरी गई, जान मेरी निकली, रो ये रही है। अच्छा एक बात तो बताओ मां, आप कैसे रह लिया करती थी मेरे बगैर? बाबा आपको पिक्चर्स वीडियो नहीं भेजते थे क्या? आप सोचती थी बाप के पास जदीक होगा, नहीं था ठीक, नहीं था ठीक, कभी भी नहीं था।